लोकसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंद्रयान 3 की सफलता पर कहा कि ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश विकसित देश जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न हैं, वे अब भी चांद पर पहुंचने के लिए प्रयासरत हैं। चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जैसा आपने भी अभी अपने संबोधन में कहा है, क्योंकि एक तरफ दुनिया के कई ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे कहीं अधिक साधन संपन्न होते हुए भी चांद पर पहुंचने के लिए अब भी प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बेहद सीमित संसाधनों के से चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले हम दुनिया के पहले देश बन गए हैं अध्यक्ष महोदय। यह हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की बौद्धिक क्षमता, उनकी लगन और राष्ट्र के विकास के प्रति उनके समर्पण का ही यह प्रतिफल है अध्यक्ष महोदय, ऐसा मैं मानता हूं कि हमारा राष्ट्र आज विज्ञान की दुनिया में अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आकर खड़ा हो गया है। आज केवल मुझे ही नहीं, बल्कि सरकार को ही नहीं, बल्कि सदन को ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को अपने देश के वैज्ञानिकों पर गौरव की अनुभूति हो रही है अध्यक्ष महोदय। उन्होंने साथ ही कहा कि चंद्रयान की सफलता से इस बात की भी पुष्टि होती है कि हमारे देश में शिक्षा और उद्योग सही दिशा में मार्गदर्शन दे रहे हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं, यह एक ओर इसरो की सफलता तो है ही, साथ ही यह इस बात का भी द्योतक है कि हमारे देश का साइंटिफिक इकोसिस्टम, जिसमें करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने जाने अनजाने अपना योगदान दिया है, वह अपनी आज शेप ले रहा है। यह दिखाता है कि हमारे स्कूल्स, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में साइंस की पढ़ाई बेहतर हो रही है और हमारी इंडस्ट्रीज भी अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स और सप्लाई कर रही है।